ओके बेटा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है वो सॉर्टिंग और फिल्टरिंग डाटा पे मुश्तमिल है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, उसके बाद फिर अगर हमें टाइम मिला तो आप प्रेजेंटेशन जो है वो आपको मैं रीड करवा दूंगा, अदरवाइज प्रेजेंटेशन आप खुद भी देख सकते हैं, उसमें सारा प्रैक्टिकल ही मैंने बनाया है। तो अगर आपको प्रैक्टिकल समझ आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो अपनी माइक अपने ऑफ रखिएगा और पूरी कंसंट्रेशन से आप लोगों ने सीखना है कि किस तरह से जो सॉर्टिंग है ये मैं करने आपके सामने आपको करके दिखाऊंगा। तो बेटा आपके सामने एक्सेल शीट ओपन हो गई है, ये मैंने थोड़ा सा पहले से ही आपके लिए काम करके रखा था। आप देख रहे हो बेटा कि ये पेज आपके इसी पेज पे 33 पे ये फिगर या टेबल 3.17 है जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। दो टेबल्स हैं, एक ये वाला है 3.17 टेबल है बेटा, ये आपको नजर आ गया सबको, स्क्रीन पे क्लियर नजर आ रहा है। अच्छा, मैं आप लोगों को बेटा ये जो टेबल बना हुआ है ये टेबल आप लोगों को एज इट इज अभी मैं ग्रुप में भी पोस्ट कर दूंगा, वैसे आप ये खुद भी बनाए तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा बेटा, इसमें आप गौर करो कि हमें जो टेबल दिया गया है उसमें 4 कॉलम्स हैं, एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नंबर है और सैलरी है। हम लोगों ने आप सीखना है इनको सॉर्ट करना, यानी सॉर्टिंग मीन इनको ऑर्डर देना और सीक्वेंस में लेके आना। अभी सीक्वेंस देने के बहुत सारे हमारे पास फील्ड्स हैं, बहुत सारे हमारे पास चॉइसेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये करना है कि जब आप ये टेबल बना लेंगे तो आपने जो डाटा है ये A2 से लेकर इसको और D11 तक ये सारा डाटा आपने सिलेक्ट कर लेना है। जिस तरह से आपको नजर आ रहा है कि मैंने ये सारा डाटा सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद बेटा आप लोग अगर अपने कंप्यूटर पे देखेंगे तो आपको अपने एक्सेल पे या अभी आप होम टैब में ही हो, इसी होम टैब में आप लास्ट पे आ जाएंगे तो लास्ट में ये एडिटिंग ग्रुप है। इस एडिटिंग ग्रुप पे आप अगर गौर करें तो ये हमारे पास सॉर्ट एंड फिल्टर का ये आइकन बना हुआ है। अब इसको प्रेस कर रहे हैं तो ये डिटेल आपके पास आ जाएगी। अभी आप देखें जो डाटा हमने टेबल में बनाया हुआ है, गौर कीजिएगा इस डाटा के ऊपर कि ये थोड़ा सा जंबल अप हुआ हुआ। तो अब मैं हम इनको सॉर्ट कर रहे हैं फ्रॉम ए टू जी, दैट मीन्स कि हम इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में बेटा जो ए है उसके बाद बी की वैल्यू, फिर सी और इस तरह से बाकी भी जाएंगी। तो अभी आप डाटा पे थोड़ा गौर कीजिएगा डाटा चेंज किस तरह से होगा। मैं अभी ए टू जी कर रहा हूँ, आप देखिएगा ये मैंने बटन प्रेस कर दिया ए टू जी और जी टू ए। अब इस वक्त देखिएगा ये जी टू ए है और एस के एस बी एस जी जी एम ए एच नीचे से अब ये शुरू हो रहा है और ये अरेंज हो रहा है दूसरी तरफ इस तरह, ये ए टू जी और फिर ये जी टू ए। अब देखेंगे कि डाटे में लिटिल बिट आपको चेंज होती हुई नजर आएगी। ये ए टू जी में देखिएगा इस वक्त एम्प्लॉय नंबर जो है वो ऑलमोस्ट ये ऑर्डर में ही है और जब जी टू ए करेंगे बेटा तो चेंज हो जाएगा। अब देखिए E101 के बाद E110 आ गया कुमेल रजा, फिर शीरी काजी आ गई है 109 वाली, फिर 108 वाली और इस तरह से ये अपोजिट जब उल्टे हो गए, मतलब ये E2A to Z और जी टू ए दोनों तरह की इसकी अरेंजमेंट यहाँ से हो जाएगी। अच्छा, अभी तो एक तो इसमें ये हम लोगों ने सीखनी है, इस पूरे पेज पे उन्होंने यही टेबल आपको बना के दिया गया है और हमें ये सॉर्टिंग इसकी दी गई है ए टू जी और जी टू ए के। और उसके बाद अगर हम फर्दर इस पे इसी में ही और डाटे पे कुछ चेंजेस करना चाहें और सॉर्टिंग करना चाहें बेटा तो आप अपने इसी जो जहां इस वक्त हम होम टैब में हैं, आप होम टैब से आगे और डाटा टैब में आ जाए। अब आप डेटा टाइप में आएंगे बेटा तो डेटा टाइप में टैब में भी ये सॉर्ट एंड फिल्टर का ये ग्रुप मौजूद है। ये सॉर्ट एंड फिल्टर का ग्रुप जो है दो जगह पे होता है, एक होम टैब में होता है,
होम टैब में ये एंड में है एडिटिंग ग्रुप, यहाँ से भी आप जा सकते हो। दूसरा डेटा टैब में है, ये दूसरा डेटा टैब इसलिए मैंने आपको दिखाया ताकि आपको पता चल जाए बेटा कि वी हैव टू डिफरेंट प्लेसेस वेयर वी कैन फाइंड दिस सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। तो यहाँ से अब भी आप पिक कर सकते हैं और होम टैब से भी आप पिक कर सकते हैं, लेकिन होम टैब से ज्यादा आपको जो है वो सिर्फ ए टू जी और जी टू ए की ही चीजें नजर आएंगी। उसके नीचे ये फिल्टर का आइकन मौजूद है, अब यहाँ से फिल्टर का आइकन यहाँ से भी प्रेस कर सकते हैं और आप उसके बाद डेटा टेबल से भी आप इस फिल्टर के आइकन को टैप कर सकते हैं। अच्छा, एक तो ये हमारे पास था फिल्टर्स को अप्लाई करना। अच्छा, ये फिल्टर जब हम बेटा अप्लाई कर देते हैं तो फिर हमारे पास इसमें मुख्तलिफ चॉइसेस हमारे पास आ जाती हैं डेटा को अरेंज करने की। अब देखिएगा, मैं इसी फिल्टर को दोबारा प्रेस कर रहा हूँ तो ये आप थोड़ा सा जरा इसमें मैं और चेंज करना चाह रहा हूँ कि अब मैं सारा डाटा सिलेक्ट करना कर रहा हूँ। पहले तो मैंने सिर्फ डाटा सिलेक्ट किया था, ऊपर जो कॉलम नेम थे वो ड्रॉप कर दिए थे, लेकिन अब मैं ये कॉलम नेम भी मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं। तो अब अगर इसमें फिल्टर अप्लाई करता हूँ तो आप देखेंगे कि बेटा ऊपर टॉप पे जो फर्स्ट कॉलम का जो फर्स्ट है हमारे पास बॉक्स, इसमें एम्प्लाई नंबर है, एम्प्लाई नेम है, डिपार्टमेंट नंबर है या सैलरी है, इसके साथ एक छोटा सा बटन बन गया है ड्रॉप डाउन मेन्यू का। अब अगर देखो मैं डिपार्टमेंट नंबर में आता हूँ या चलो एम्प्लाई नेम में आता हूँ, तो अब एम्प्लाई नेम में देखो बेटा कि मैं ये जस्टिस पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास सारी डिटेल में ऑप्शन आ जाती है। अब बेटा यहाँ जिस चीज को अनचेक कर दोगे कि मैं भाई इनको नहीं देखना चाहता, तो ये कंप्यूटर ये करेगा बेटा इस सॉर्टिंग में कि जिस चीज को आप अनचेक कर दोगे सिर्फ जो टिक रह जाएंगे बाकी, सो ये उसी का रिकॉर्ड आप लोगों को दिखाएगा। इसी तरह से फर्दर आप डिपार्टमेंट नंबर पे आ जाए कि आपको 10 वाले भी नहीं चाहिए तो ये 10 वाले भी नहीं आपको दिखाएगा। आप सैलरी वाले पे आ जाए, इस पे एक को टिक कर लें तो ये आपको वो भी नहीं दिखाएगा। सबको आप रिटर्न, अब देखो इसकी फिल्टर अप्लाई हो गए ये वाले, इसका मतलब है कि जिसके फिल्टर अप्लाई नहीं हुआ उसमें यू हैव ओनली एन एरो साइन, और बेटा जहाँ ये फिल्टर अप्लाई हो गया वहाँ फिल्टर का साइन आ गया। आप इसको किसी वक्त भी चेंज करना चाहें, आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। और सबसे पहले तो आप इसको आप अपनी सैलरीज वाले फिल्टर को ऑन करेंगे, फिर आपने जो दूसरे वाला चूज किया उसको भी आप ऑन करेंगे, और फिर यहाँ से स्टेप बाई स्टेप आपको जो चीजें भी आपने यहाँ से अनचेक की थी, यानी जो डाटा आप देखना चाहते हो वो आपको कंप्यूटर दिखा देगा, जो आप डाटा नहीं देखना चाहते हो वहां से आपको नहीं दिखाएगा। तो ये हमारे पास एक सेकंड हमारे पास शॉर्ट के साथ ये फिल्टर का ऑप्शन था और दोनों अप्लाई हो सकते हैं। अच्छा, अगर आपने इस फिल्टर को रिमूव करना है बेटा तो उसके लिए सिंपल सा बटन हाल है कि ऊपर इसी ग्रुप इसी में देखें डाटा टैब में फिल्टर का आप आइकन गौर करेंगे तो ये बड़ा येलो कलर में आपको बटन जो है वो इसका नजर आएगा। आप जस्ट इस बटन को आप अनचेक कर दें तो ऑटोमेटिकली जो हमारे पास फिल्टर्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। अच्छा, अब एक और हमारे पास टेक्निक है बेटा जिसमें हम लोग इनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं, एक और मेथड है। अब इसमें देखिए, वी हैव डिपार्टमेंट्स विद हैव वैल्यूज 10, 20 एंड 30। अच्छा, अगर मैं इनको बेटा करना चाह रहा हूँ कि ये डिपार्टमेंट जो है ये मुझे सेपरेटली हो जाए, 10 के लगा हो जाए, 20 के जो है वो लगा और 30 के लगा हो जाए, तो ये वो भी पॉसिबल है। तो इसमें हम लोग इनके वैसे तो आप डिपार्टमेंट वाइज भी अगर आप चाहते तो हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते थे। दोबारा से आप क्या करेंगे बेटा, आप इस पूरे डाटा को दोबारा से सिलेक्ट करें और इसके बाद बेटा अभी आपने डेटा टैब में आपने अभी डेटा टैब में ही है और डेटा टैब में आपने बेटा लास्ट में आप देखें तो आपको आउटलाइन का एक ग्रुप नजर आएगा। इस आउटलाइन के ग्रुप में बेटा हमारे पास 3 ऑप्शन नजर आएंगी आपको, ग्रुप की, अनग्रुप की और सब टोटल की। तो आपने सब टोटल को क्लिक करना है। अब जब सब टोटल क्लिक हो जाएगा बेटा तो सबसे पहले तो आप लोगों ने ऐसा कीजिएगा, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं पहले डाटे को हम
बेटा माइक ऑफ करें अपने, माइक ऑफ करें। अच्छा ओके बेटा, अभी हमने सॉर्टिंग सीखी थी ए टू जी और जी टू ए, तो मैं अभी इसको एक और, ये देखिएगा मैंने दोबारा सॉर्ट का बटन ही क्लिक किया तो मेरे पास ये ऑप्शन आया, तो मैं इसको जरा सॉर्ट आउट करने लगा हूँ बाय बाय डिपार्टमेंट। ठीक है, इसको को क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि ये सारे के सारे डिपार्टमेंट वाइज सीक्वेंस में आ जाएंगे। इसी में डेटा टाइप, बेटा डेटा टाइप में ही सॉर्ट एंड फिल्टर के साथ ये ए टू जी और जी टू ए जो बटन लगा हुआ है उसके साथ ही सॉर्ट का बटन है, एस ओ आर टी सॉर्ट, सॉर्टिंग करना। इसको आप क्लिक करोगे ये आपके सामने एक और बॉक्स ओपन होगा, इसमें से आप, मैंने ये चूज किया है सॉर्ट बाय डिपार्टमेंट नंबर। इस तरह से आप सॉर्ट बाय वैल्यूज भी कर सकते हो, उसमें कलर भी कर सकते हो, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर सकते हो, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर सकते हो, और डिटेल है। जो फर्स्ट टू बटन है वो स्मॉलर टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलर है, लेकिन जब आप साथ वाले बटन को सॉर्ट को क्लिक करते हो बेटा, देन यू हैव जी शनावर बेटा बोलिए। शनावर बेटा बोलना चाह रहे थे, हमने हैंड रेज किया। ओके नहीं, अच्छा बेटा ओके, अच्छा देखिएगा बेटा दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ, डेटा को आपने सिलेक्ट कर लेना है और इसी में डेटा टाइप में ही सॉर्ट एंड फिल्टर में आप लोग आ जाएंगे, तो आप सॉर्ट के बटन को क्लिक करेंगे और यहाँ से मैंने इसको चूज किया हुआ बेटा डिपार्टमेंट नंबर से। अच्छा अभी मैं इनके सब टोटल करना चाह रहा था, तो मैंने आपको कहा कि इसी में डेटा टाइप में बेटा आप लोग एंड में आ जाओ, सो वी हैव एन ऑप्शन ऑफ सब टोटल। अभी सब टोटल को आप क्लिक करो और यहाँ आप लोग डिपार्टमेंट वाइज ही इनका टोटल निकालो। और इनका हमें क्या चीज चाहिए, सबसे पहले तो आपको ये देखिएगा इधर एम्प्लॉय नंबर दिया गया है, तो आप एम्प्लॉय नंबर को यहाँ से चेंज करें और यहाँ से डिपार्टमेंट नंबर पे आ जाएं। और ये बिल्कुल एग्जैक्टली आपके पेज नंबर जो है वो पेज अब मैं इस वक्त 35 पे आ गया हूँ, पेज 35 पे ये टॉपिक मौजूद है और उसमें आप देखते हैं कि जस्ट सैलरी को उन्होंने टिक करने के लिए कहा हुआ है और टॉप पे उन्होंने जो इसको अरेंज करने के लिए कहा है वो डिपार्टमेंट नंबर के लिहाज से। बस आपने ये दो चीजें जो चेंजेस है वो करनी है और आफ्टर दैट आप जस्ट ओके का साइन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरे डाटे में जो डिपार्टमेंट जिनकी वैल्यूज 10 है उनका टोटल सेपरेट हो गया, जिनकी वैल्यूज 20 है उनका टोटल सेपरेट हो गया, जिनकी वैल्यूज 30 है उसका टोटल सेपरेट हो गया और नीचे ग्रैंड टोटल आ गया। ये वीडियो बेटा प्रैक्टिकली कंप्लीट रिकॉर्ड हो रही है, अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम होगी तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा भी ग्रुप में अपलोड हो जाएगी, तो आप इसको दोबारा से भी देख सकते हैं कि मैंने कैसे किया, और कुछ अगर कंफ्यूज रह गई है समझ नहीं आई तो आप इसको दोबारा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अच्छा इस बात जो आपकी फर्स्ट आज की टास्क है बेटा वो पेज नंबर 36 पे प्रैक्टिस टाइम है। एक तो आपने ये एग्जांपल जो मैंने आपको यहाँ जो आपको मैं अभी सेंड कर दूंगा बेटा, आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस करना है, जो मैंने आपको भी ये टेबल आपको इस पे जो करवाई है प्रैक्टिस ए टू जी कंप्यूटर। अच्छा बेटा आपने बेटा इसको अरेंज सीखना है ए टू जी, जी टू ए आपने सॉर्टिंग करनी है इस पे, फिर आपने फिल्टर इस पे अप्लाई करना है। अच्छा ये आपकी बेटा प्रैक्टिस है, जब भी आप करें आप बिल करें आप कर सकते हैं। अच्छा अब नेक्स्ट अभी जो टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है वो फिल्टरिंग का है। अच्छा बेटा इसके बाद ये आपने प्रैक्टिस टाइम करना पेज 36 पे, और उसके बाद आप बेटा मेरे पास इस वक्त अब है ये टेबल पेज 3.40, ये टेबल है पेज 41 पे है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का।
जी बेटा, अब इससे आप लोगों ने हमने मुख्तलिफ रूल्स अप्लाई कर सकते हैं बेटा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, और टॉपिक यही है कि ये इस वक्त ये पेज 41 पे जो टेबल है ये बना हुआ है, आप लोगों ने बेटा यहाँ इन वैल्यूज को आपने जो है उनको सिलेक्ट कर लेना है, कॉलम बी सी यानी टेस्ट 1 में मार्क्स, टेस्ट 2 में और टेस्ट 3 में मार्क्स, ये आप लोगों ने इसको सिलेक्ट कर लेने हैं। और उसके बाद आप लोगों ने बेटा जो है उसको चेंज करने के लिए दोबारा से आपने होम टैब में जाना है, ये टॉप में मेन्यू में होम टैब पे आ जाए और यहाँ आपको स्टाइल के ग्रुप में, स्टाइल ग्रुप में ये आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग मिलेगी। होम टैब में स्टाइल के में आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का आइकन ही नजर आएगा, आपने इसको प्रेस करना है। अब आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। अब यहाँ सबसे पहला ऑप्शन आपके पास है हाईलाइट सेल रूल्स। अच्छा, अब यहाँ हम लोगों ने करना यह है कि हम डिसाइड करना चाह रहे हैं बेटा कि विच नंबर्स है दैट वी वांट टू सी एंड विच आर नॉट, और डिफरेंट नंबर्स हम लोग बेटा डिफरेंट कलर्स में भी प्रेजेंट करवा सकते हैं। तो लेट्स सी कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ग्रेटर देन हमें नजर आए, इसके अलावा और कोई नहीं, ग्रेटर देन में अब हमारे पास ये चूज चॉइस है कि ग्रेटर देन कहाँ से, ये सब 77 है, मैं इसको डिलीट करके मैं कहता हूँ जी ग्रेटर देन 77, फिलहाल आप बुक में यही कंडीशन लगाई हुई है 77 में, और ये बेटा आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे कलर्स की। अब यहाँ से जो कलर चूज करना चाहो वो चूज करोगे, आप ओके का बटन प्रेस करोगे, अब इसको अगर आप अनचेक करो तो आपके पास जितने भी मार्क्स हैं जो ग्रेटर देन 77 है वो आपको यहाँ डिफरेंट कलर हमने सिलेक्ट किया है उसमें आपको नजर आ जाएंगे। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो दोबारा से डाटे को सिलेक्ट कर लो, फिर वही कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और आपने दोबारा से ग्रेटर देन और यहाँ से आप अपनी कंडीशन को चेंज कर लोगे, आप इसको अगर 80 पे ले जाते हो ठीक है या 85 पे ले जाते हो तो, और इसका यहाँ से कलर चेंज करना चाहते हो ग्रीन कलर शो करना चाहते हो ओके प्रेस कर दो। अब देखो जो ग्रेटर देन 77 है वो रेड रह गए हैं और जो ग्रीन कलर है बेटा वो आपको शो हो रहे हैं, दे आर ग्रेटर, भी हमने जो सेकंड कंडीशन लगाई थी ग्रेटर देन 85 वाली अब ये पोस्ट पे अप्लाई हो गई है। तो जिस तरह की आप कंडीशन डाटे पे अप्लाई करते जाएंगे डिफरेंट कलर्स को चूज करते जाएं तो कंप्यूटर भी आपको उन तमाम कलर्स को सेपरेट करके दिखा देगा कि ये नंबर जो है इससे बड़े हैं 77 से बड़े हैं और ये नंबर्स 85 से बड़े हैं। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। अभी हमने प्रैक्टिस तो अभी आपको मैंने प्रैक्टिकल करवाया, उसमें हम लोगों ने सीखा बेटा कि इनको अरेंज करना अल्फाबेटिकली और इनके फिल्टर अप्लाई करना और कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम लोगों ने सीखी। अभी मैं प्रेजेंटेशन जो है आपको एक दिखा रहा हूँ उसमें इसी की सारी डिटेल है। अपने माइक बेटा ऑफ रखिएगा प्लीज, अभी आपके कुछ कुछ भी माइक ऑन है तो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे शायद। रहीम बेटा आप अपने माइक को क्यों ऑन कर लेते हैं दोबारा से? तब वो खुद हो गया ना, खुद हो गया। ओके, अब देखिएगा बेटा लास्ट टाइम बेटा आप लोगों ने, हम लोगों ने ऑटो फिल का फीचर किया था लास्ट वीक में कि हाउ वी कैन अप्लाई ऑटो फिल, ये आपको याद होगा हम लोगों ने इस पे डिटेल सीखी थी और हमने पढ़ा था कि हम लोग डिफरेंट हमारे पास ऑलरेडी कंप्यूटर के अंदर डाटा वैल्यूज मौजूद होती हैं लाइक डेज ऑफ द वीक होते हैं, फिर मंथ्स नेम ऑफ द मंथ्स होते हैं, फिर हमने कस्टम लिस्ट्स में सीखी थी लास्ट वीक में अगर आपको याद हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सॉर्टिंग फिल्टरिंग और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में है। ओके बेटा, once you have entered data in the worksheet, you can change its order. This is called sorting of data. Last time, बेटा अभी मैं आपको practical में यही करवा के गया हूँ कि किस तरह से हम लोग sorting कर सकते हैं। तो ये इसकी सारी definitions हैं।
जी रहीम आप बेटा इसकी रीड की रीडिंग करें इसकी। वंस यू हैव एंटर्ड डेटा इन अ वर्कशीट यू कैन चेंज इट्स ऑर्डर। दिस इज कॉल्ड सॉर्टिंग ऑफ डेटा। यू कैन आल्सो फिल द डेटा विद selectively block data. You can want to see sorting and filtering are very useful when you work with long data lists. अगर आपको डेटा बहुत ज्यादा हो बेटा तो फिर हमें जो ये फीचर है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिवली हमारे पास सामने आता है और हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है बेटा, इसमें हम लोग अभी मैंने आपको जो कलर्स वगैरह करके दिखाए हैं जिसमें हम कंडीशन एडजस्ट कर देते हैं तो ये अकॉर्डिंग टू द डेटा को एडजस्ट कर देती है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन दैट वी प्रोवाइड और दैट वी स्पेसिफाई। ओके बेटा, नाउ शनावर बेटा आप ऑन कीजिएगा अपना माइक। मिस्टर शनावर जी बेटा आप रीडिंग शुरू करें, आप सॉर्टिंग की फर्दर। ओके बेटा, ये सॉर्टिंग की फर्दर आगे बुक में डेफिनेशन है कि वन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मोस्ट यूज्ड फीचर इज द एबिलिटी टू सॉर्ट डाटा। एंड व्हाट इज सॉर्टिंग? सॉर्टिंग दैट मींस रीअरेंजिंग द डाटा of that may be textual data, your text data, numerical data or alphanumeric data or some different or some other specific order hum data ko arrange kar sakte hain. Acha beta, ye bhi hum logo ne one column sorting jo abhi humne sabse pehle seekhi, maine isi tarah ka aapko ye box jo hai ye bhi aapko dikhaya practical mein aur uske baad humne isi pe different apply kiye hain, sorting features apply kiye hain। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ ए टू जी और जी टू ए के फीचर में जाना है। तो अब ये जो सॉर्टिंग है ए टू जी और जी टू ए कहाँ पे है, आपने होम टैब पे क्लिक करना है, देन आपने एडिटिंग ग्रुप में जाना है और वहां से आपने सॉर्ट एंड फिल्टर बटन जो है ये हमारे पास सामने मौजूद है, इसको आपने क्लिक करना है। तो इसको आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी और वहां से आपने स्मॉलर टू लार्जर या लार्जर टू स्मॉलर को क्लिक करना है। ये मैंने भी आपको ऑलरेडी प्रैक्टिकल में करके दिखा दिया है। ओके बेटा, ये कमांड वी हैव एट टू प्लेसेस, एक तो बेटा डाटा टैब में है और दूसरा डाटा टैब के अंदर सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में है और दूसरी ये देखिएगा ये होम टैब में ये मौजूद है और इसमें ये और दूसरी डाटा टैब में, ये सब डाटा टैब आपको दिखाई गई है तो डाटा टैब में है और होम टैब में भी है। ठीक है, ये सॉर्ट करेगा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और नीचे वाला करेगा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, जी टू ए या ए टू जी। अच्छा, और सबसे पहला काम तो बेटा अपने ये करना है कि अगर आपने वन कॉलम सॉर्टिंग सिर्फ करना चाहते हैं तो आप सिर्फ क्या करेंगे, सिलेक्ट द सेल इन द कॉलम्स अकॉर्डिंग टू विच यू वॉन्ट टू सॉर्ट द डाटा। आप सिर्फ इसी कॉलम के जो डाटा है डी वाला इसी को आप लोग सिलेक्ट कर लोगे और बाद में आप अरेंज करोगे इसको फ्रॉम इन असेंडिंग ऑर्डर दैट इज ए टू जी, तो आपके पास ये डाटा सारे का सारा ए टू जी यानी स्मॉलर टू लार्जर में शिफ्ट हो जाएगा। तो पहले डाटा देखिए, सबसे पहली वैल्यू 45, फिर 54, फिर 60, फिर एंड सो एंड सो। अभी ये आपके सामने असेंडिंग है, छोटे से बड़े में है, सबसे पहले छोटी वैल्यू फिर ऐसा ऐसा उससे वैल्यू आपके सामने बड़ी आती जाती है। उसको ज्यादा मल्टीपल कॉलम हमारे पास है, अगर हमने डाटा हमारे पास ज्यादा बड़ा है और हम लोग और डिफरेंट क्राइटेरियाज अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले यही टेबल आप एक्सेल पे बनाएंगे और उसके बाद आप लोगों ने मल्टीपल जब सॉर्टिंग अप्लाई करनी है बेटा तो आपने सारे की सारे जो डाटा है उसको सिलेक्ट करना है, इवन जो कॉलम नेम्स हैं आपने वो भी सिलेक्ट कर लेने हैं और उसके बाद आपने होम टैब में जाना है और आपने इस कस्टम सॉर्ट को अप्लाई करना है। ये वही मैंने आपको दो जगह से अवेलेबल है, ये होम टैब में भी है और डेटा टैब में भी है, जहां से आप चाहें इसको आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यही ऑप्शन दी गई है कि होम टैब भी देख सकते हैं एडिटिंग ग्रुप में और वहां से भी आप चूज कर सकते हैं और डेटा टैब से भी आप चूज कर सकते हैं। ये तो दो जगह है जहां से मर्जी आप इसको चूज कर सकते हैं। तो ये फिल्टर अप्लाई करें मल्टीपल और वहां से आप देखिएगा, मैंने भी आपको ये प्रैक्टिकल में सिखाया है कि मैंने इसको डिपार्टमेंट नंबर के लिहाज से इसको अरेंज किया और उसके बाद मैंने ओके का बटन प्रेस किया है तो ये सारे का सारा ऑटोमेटिकली, ये थ्री हमारे पास ऑप्शंस हैं
तो आप इसमें से जो जो फिल्टर्स अप्लाई करना चाहें वो अप्लाई कर सकते हैं, डाटा के अंदर देखना चाहें आप। उसके बाद इसके डिफरेंट लेवल्स हैं, लेकिन अभी लेवल्स है इसमें आप लोग एक ही वक्त में एक से ज्यादा जो है वो आप फिल्टर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक में तो आपने सॉर्ट कर लिया बाय डिपार्टमेंट नंबर, फिर आप सॉर्ट कर रहे हैं बाय सैलरी, तो वो दोनों ही आप सेम अप्लाई कर सकते हैं। ओके का बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सैलरी वाइज भी और डिपार्टमेंट वाइज भी ये अरेंज में हो गए। अच्छा, उसके बाद बेटा अभी मैंने आपको फिर ये भी एक प्रैक्टिकल करवाया जिसमें आप लोग अब डिफरेंट डाटा को डिफरेंट डाटा लेवल्स में डिवाइड कर सकते हो। इस तरह सबसे पहला काम तो होगा बेटा कि आप डाटा को आप पूरे टेबल में कहीं भी अपने इसको आप क्लिक कर लेंगे अपने डाटा को, जिस तरह से अभी मैं आपको दोबारा से लेके जा रहा हूँ। ये एक्सेल शीट देखिएगा, ये फिल्टर, ये टेबल, आप इस टेबल सारी को आपने भी टेबल को जहां मर्जी आप क्लिक कर लें, और उसके बाद बेटा आप लोगों ने डाटा टैब, डाटा में आपने ये सब टोटल में क्लिक करना है। ये भी आपको मैंने करके दिखाया भी था, ठीक है। और ओके करेंगे तो ये इस तरह से आपको डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड हो जाएगा। ऐसे डिफरेंट लेवल्स में बेटा आपने उसको वहां डिवाइड किया हुआ है। बेटा तो अब यहाँ भी वही चीज है, इसकी डिटेल सारी है। आपको अगर कंफ्यूजन वहाँ प्रैक्टिकल में हो रही हो तो आप इस प्रेजेंटेशन को अगर आप अच्छी तरह से आप देखेंगे आपको सारी जो प्रोसीजर है वो इसका समझ आ जाएगा कि किस तरह से हम लोगों ने डिपार्टमेंट नंबर को चूज करना है। देन वी चूज द सैलरी एंड देन जस्ट प्रेस द ओके साइन, ऑटोमेटिकली आपका डाटा बेटा इस तरह से डिफरेंट लेवल्स में शो हो जाएगा। मैंने भी आपको ये प्रैक्टिकल में भी करके दिखा दिया कि इस तरह से डाटा ये आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो ये डिफरेंट लेवल्स आपको बने हुए नजर आ जाएंगे। तो फिर ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का फीचर है बेटा जो हम लोगों ने भी पढ़ा। अब इसमें डाटा अरेंज हो जाता है उस कंडीशन में जो हम लोग जिस कंडीशन में या जिस तरतीब में हम डाटा को शो करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं सिर्फ हमें जो डिफरेंट डाटा है वो इस कलर में या इस फॉर्मेट में हमें नजर आए हम वो कर सकते हैं। तो ये कंडीशनल ग्रुप कंडीशंस कहाँ से आप अप्लाई करेंगे बेटा, ये लिखा हुआ है द कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड इज अवेलेबल इन स्टाइल ग्रुप ऑफ द होम टैब। तो अगर आप होम टैब पे पहले क्लिक करेंगे तो वहां स्टाइल में आप जाएंगे तो वहां ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग होगी। ये देखिए ये होम टैब और यहाँ से ये स्टाइल और ये इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो होम टैब में स्टाइल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप लोग जाएंगे। तो उसके बाद बेटा आप लोगों ने डाटा पे ये टेबल, तो मैंने इसी टेबल पर मैंने ये कंप्यूटर पे बनाया हुआ था तो वही टेबल यहाँ पे भी है। तो अब आप लोगों ने ये करना है कि पहले आप जो डाटा की वैल्यूज हैं टेस्ट वन टेस्ट टू टेस्ट थ्री में डाटा जो वैल्यूज आपको गिवन है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर आप कहते हैं सपोज वी वांट टू मार्क्स ग्रेटर देन 75 टू बी डिस्प्लेड इन रेड बैकग्राउंड। जिनके मार्क्स 75 से बड़े हैं वो हमें जो है वो रेड बैकग्राउंड में नजर आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, वी विल अप्लाई द फॉलोइंग। सबसे पहले हम लोग बेटा डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे। आफ्टर दैट हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने का रास्ता मैंने आपको बता दिया। आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो है वो स्टाइल में जाएंगे, इसको ढूंढेंगे कहाँ पे, होम टैब के अंदर आप उसको आप जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को आप क्लिक करेंगे यू विल गेट हाइलाइट्स एंड रूल्स। सबसे पहले जो ऑप्शन है उसको चूज करेंगे और वहां से ग्रेटर देन को आप चूज करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग अपनी कंडीशन जो होगी हम उसको अप्लाई कर देंगे। ग्रेटर देन की मैंने यहाँ ग्रेटर देन 75 है, अपनी कंडीशन ही यही है कि आप 75 से बड़ी वैल्यूज देखना चाहते हो या राइट साइड से आप लोग अपने टेबल्स को टेबल का जो कलर होगा बैकग्राउंड का आप उसको चूज करोगे और जस्ट आप अगर वैल्यू चेंज करना चाहते हो, जैसा मैंने यहाँ दो कलर्स डिफरेंट यूज किए, एक मैंने देखा ग्रेटर देन 77 और एक मैंने रिप्रेजेंट किया ग्रेटर देन 85। तो 77 को मैंने लाइट रेड से शो करवाया और जो ग्रेटर देन 85 है उसको मैंने ग्रीन फिल से शो करवाया। तो ये आप दोनों कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ उन्होंने एक ही काम सिंगल वैल्यू शो की है, आप कलर और भी चूज कर सकते हैं अपनी मर्जी से बेटा।
और उसके बाद जस्ट आप लोगों ने ओके का बटन प्रेस कर देना है, तो आपके पास सारा ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखेंगे कि आपके पास सारा डाटा ये रेड कलर में रिप्रेजेंट हो जाएगा जो ग्रेटर देन 75 होगा। प्रैक्टिकल भी आप देख सकते हैं बेटा, और आपने अगर आपको और फर्दर कंफ्यूजन हो तो ये सारी जो प्रेजेंटेशन है ये मैंने बहुत डिटेल में बनाई है, तो इससे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इस प्रेजेंटेशन को पढ़ते जाएं और अप्लाई करते जाएं तो भी आपको ये सारा मैनेज हो जाएगा। और ये और अगर आपने रूल्स को खत्म करना हो बेटा, तो इसी में आप लोगों ने क्लियर रूल्स की ऑप्शन आती है इसी फॉर्मेटिंग में, तो आप क्लियर रूल्स को अप्लाई करेंगे तो आपका सारे का सारा डाटा जो है वो उसमें जो भी आपने फिल्टर अप्लाई किए हुए हैं, जो भी कंडीशंस अप्लाई किए हुए हैं, वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। तो हमने आज बेटा सीखा इन दो चीजों के बारे में, सॉर्टिंग डाटा के बारे में, फिल्टर्स की अप्लाई करने के बारे में और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। अभी मैंने आपको जो ऑप्शन एक तो मैंने आपको बेटा बताया था कि आप लोगों ने अभी अप्लाई करना है, एक तो पेज नंबर 40 पे जो आपको, एक पेज नंबर 36 पे जो बेटा है प्रैक्टिस टाइम वो आप करेंगे, एक पेज नंबर 40 पे जो प्रैक्टिस टाइम है वो आप करेंगे, और एक जो है पेज नंबर 44 पे। तीन प्रैक्टिस टाइम है जो आप लोगों ने आज करनी है, एक पेज 36, एक पेज नंबर 40 और एक पेज नंबर 44। नहीं बेटा अपलोड नहीं करने, आपने सिर्फ इनकी प्रैक्टिस करनी है। ओके सर। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इस स्लाइड को जो स्लाइड शो है बेटा, इसको आपने एटलीस्ट 2 टाइम्स आपने पहले देखना है और फिर आपने परफॉर्म करने हैं ये। और वैसे भी जो प्रैक्टिस टाइम है उसमें डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है, तो आपने इनकी इन तीन टॉपिक्स की, सॉर्टिंग डाटा की, अप्लाई फिल्टर एप्लीकेशन द फिल्टर्स ऑन द डाटा एंड यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस करानी है आप लोगों ने बस। और मैं अभी इंशाल्लाह इसी चैप्टर की जो वर्कशीट है वो अभी अपलोड कर दूंगा बेटा, तो वो वर्कशीट में ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा और सब्जेक्टिव पार्ट होगा, तो आप लोगों ने अभी पूरा वीक आपके पास है, वो आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव पार्ट भी अपनी बुक पे अपनी कॉपी पे इसको आपने लिखे जाना है, और जो सब्जेक्टिव पार्ट है आंसर क्वेश्चंस का वो भी आपने लिखने हैं। लेकिन अगर आपने जो सॉल्व करना है ऑब्जेक्टिव पार्ट, वो भी सिर्फ पेंसिल से करना है, मैं अब उसका सलूशन अभी आपको फिर बाद में भेजूंगा, ताकि आप पहले एक बार उसकी पेंसिल से आप खुद बुक की रीडिंग करो और उसको सॉल्व करो और फिर आपको मैं सलूशन दूँ। लेकिन इससे पहले इस चैप्टर की आपने सबसे पहले अपनी कॉपी पे ट्रिक की टर्म्स लिखनी है, जिस तरह से आप नॉर्मली स्कूल में अपना सारा काम करते हो, सबसे पहले इस चैप्टर नंबर 2 की आपने ट्रिकी टर्म लिखनी है। ये हम चैप्टर 2 कर रहे हैं, नहीं सॉरी चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, तो आपने इस चैप्टर नंबर 3 की बेटा सबसे पहले तो ट्रिकी टर्म लिखनी है, उसके बाद फिर आप लोगों ने इसका ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव पार्ट जो है पहले ऑब्जेक्टिव पार्ट सॉल्व कर लीजिएगा और फिर सब्जेक्टिव पार्ट अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। अटेंडेंस बेटा हो गई मार्क की, मैंने कर ली है। ओके सर, बाय बाय सर। और लाफिस सर, एक मिनट बेटा, जी मेरी कर ली जी बेटा, हो गई अटेंडेंस आपकी मार्क सर मेरी जी बेटा, हो गई। अच्छा बेटा अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आपने कुछ पूछना है बेटा, आपने कुछ पूछना चाहते हो तो बेटा वो भी बताओ मुझे, अभी टाइम है, हम अभी डिस्कस कर सकते हैं अगर कुछ चीज आप पूछना चाहो तो। अब सबको समझ आ गया टॉपिक ये वाला आज का, सॉर्टिंग का और फिल्टरिंग का? यस यस चलो ठीक यस, तो बेटा अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।